हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में, क्यों उतना डिले होता जा रहा है सारा प्रोसेस। जो एडमिशन एक महीना पहले स्टार्ट हुआ करते थे, आज की डेट में वो एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट वन मंथ लेट चल रहा है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं एडमिशन को लेके कि उनका साल ख़राब ना हो जाए इतना डिले होने के कारण, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शन हैं हमारे पास दिल्ली में स्टडी करने के लिए। देखा जाए प्राइवेट कॉलेजेस में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है, तो इसके कारण बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि अगर उनको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला और ऐसे टाइम पे नहीं मिला तो वो अल्टरनेट ऑप्शन कहाँ पे जाएंगे। सो आउटसाइड दिल्ली के बच्चे जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, काउंसलिंग के स्टार्ट होने को लेके ऑलरेडी बहुत टेंस्ड है, तो उनके लिए ये आज वीडियो मैंने बनाई है। सो एक एक करके हम सारे सिनेरियो को डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है, क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है और किस तरीके से हम अपनी काउंसलिंग को अटेंड। तो अब जानते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस मोस्ट प्रोबेबली इतना लेट क्यों हो रहा है आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग को लेके भी थोड़ा प्रोसेस लेट है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी की दोनों ही काउंसलिंग सेम चलती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि आईपी में भी एनरोल कराते हैं, डीयू में भी एनरोल कराते हैं, जिसकी वजह से एंड मोमेंट पे बच्चे अगर अपनी सीट छोड़ के डीयू में मूव करता है तो उस एक सीट का लॉस होता है आईपी को। सो इस वजह से एक तो उन्होंने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ को पूरा तरीके से ख़त्म होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद वो अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करें ताकि बच्चे सिलेक्टेड जो एक्सक्लूसिवली जो आईपी में लेना चाहते हैं वही बच्चे रह जाएँ। दूसरा जो कारण है, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ही लंबा खिंच गया है, जो बच्चे आउटसाइड दिल्ली के हैं उनको आने में टाइम लगता है। सो काउंसलिंग के लिए जो बच्चे कोटा के लिए अप्लाई करते हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तो ऑफलाइन होती है, ऑफलाइन में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ऑलमोस्ट बहुत थाउजेंड्स की कैटेगरी में बच्चे हैं, तो इतने सारे बच्चों की ऑफलाइन जो वेरिफिकेशन है वो टाइम लेता है, तो इस वजह से भी थोड़ा बहुत प्रोसेस लेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से भी। थर्ड जो रीज़न है वो है एनटीए की वजह से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, बहुत सारे जो कोर्सेज है लाइक बीबीएलएलबी आपका एमसीए और जो एमबीए वाला प्रोग्राम है, जो जो भी नेशनल लेवल पे जो अब एग्ज़ाम्स हो गए हैं इस साल से, उन कोर्सेज़ की जो काउंसलिंग है उसको स्टार्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है और उसकी जो एप्लीकेशन जितनी आनी चाहिए थी आईपी यूनिवर्सिटी में उतनी एप्लीकेशन नहीं आ पाई, तो उस एप्लीकेशन में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करवाने के लिए उन्होंने अभी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन रखा है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सारे कोर्सेज़ को सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि जब एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सारे कोर्सेज़ की ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट एक साथ वर्क करेगा। सो ये तो है रीज़न काउंसलिंग के लेट होने का। अब हम दूसरी बात करते हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद हमको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे हिसाब से तो अभी से ही दिल्ली में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप एडमिशन होने के बाद भी दिल्ली में स्टडी करोगे। सो जो बच्चे आउटसाइड दिल्ली में रहते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस आई कैन अंडरस्टैंड, बट अब जो टाइम हमारे पास रह गया है ऑलमोस्ट 15 डेज़ का हमारे पास टाइम रह गया है एडमिशन्स के लिए। सो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्लाइडिंग राउंड, स्पॉट राउंड होते होते फटाफट सारी काउंसलिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर देगा आईपी, क्योंकि जो सेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट करना कंपलसरी है, तो सेशन स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें भी बहुत कम टाइम रह गया है, तो आपके पास भी ट्रेन के टिकट्स कराने के लिए या फिर आने के लिए बहुत कम टाइम रह जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बाकी बचते हैं, जो दिल्ली के ही बच्चे जिनको आने जाने में दिक्कत नहीं है और प्लस लो रैंक जिनका है, लो रैंक इन द सेंस कि जो बच्चे आईपी से पढ़ना चाहते हैं बट अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं, इन केस अगर आप लो रैंक कॉलेज से नहीं पढ़ना चाहते तो आप एक अल्टरनेट ऑप्शन अपना ले लो, क्योंकि जिस टाइम पे काउंसलिंग एंड होगी उस टाइम आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन बचेगा नहीं एडमिशन लेने के लिए, तो आप एक अल्टरनेट एडमिशन अपना देखो कोई अच्छे से कॉलेज में, ताकि अगर आपको इन केस कल को अच्छा कॉलेज ना मिला, डिस्टेंस ट्रैवलिंग के मैटर से भी आपको बहुत दूर का कॉलेज मिला तो आपको प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से आप अपना एक ऑल्टरनेट ऑप्शन लेके चलो। तो ये तो है उन बच्चों के लिए जिनका लो रैंक है। बाकी जो बच्चे अपनी काउंसलिंग अटेंड करने वाले हैं, अपनी एक एक दिन जो भी आपको आज की डेट में जो दिन मिला है
उसको आप ऑनलाइन चेक करते रहो। जो अगर आप आईपी पे ही डिपेंडेंट हो तो आप अपने ऑनलाइन डेली जो भी सर्कुलर आता है उसको रीड करो। हर एक दिन आपके पास एक लेटेस्ट अपडेट आता रहता है ipu.ac.in, ipu.admissions.nic.in, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आईपी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट। अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है एडमिशन प्रोसेस को लेके, काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, चॉइस फिलिंग प्रोसेस को लेके, सो फ्रेंड्स ये थी आईपी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है एडमिशन प्रोसेस को लेके, ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस को लेके, फी पेमेंट के प्रोसेस को लेके, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।